अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग लूफी रिमैक्स स्टेटस लेके आ चुका हूँ, जो कि आप सिंपल सिंपल में देख चुके हैं। तो अगर आप भी इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल बताऊँगा। तो वक्त ज़ाय के बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आईडी वाले इस तरह का स्टेटस बना रहे थे, तो काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, बस भी थोड़ी सेट नहीं थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो फाइनली आज की वीडियो में इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल बताऊंगा कि आप इस तरह का स्टेटस कैसे बना सकते हैं, जो कि आप सिंपल स्क्रीन में देख चुके हैं। तो अगर आप एक स्टेटस का ट्यूटोरियल चाहते हैं या कोई सा मटेरियल चाहते हैं या मोड़े पे के चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज बता सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, या फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टेटस को बनाने के लिए हम अलाइट मोशन ऐप को यूज़ करेंगे। तो आपने अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड, अलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो स्टेटस का मैंने एक्सएमएल बनाया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, इस स्टेटस का मैंने एक्सएमएल बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने अलाइट मोशन में इम्पोर्ट कर लेना है। तो इम्पोर्ट करने के बाद आपके पास जो है वो इंटरफेस कुछ इस तरह से नहीं शो होगा, बल्कि ये तमाम जो पिक्स हैं ये मिसिंग होगी, क्योंकि मेरे पास ये पिक्स हैं, मैंने ऐड की हुई हैं, आपके पास पिक्स जो है वो शो नहीं होगी। तो आपने क्या करना है फ्रेंड, कि आपने सबसे पहले जो है ये नीचे जो सबसे नीचे ले रहा है, आपने इस पर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपने कलर एंड फिल में आ जाना है। कलर एंड फिल में आने के बाद आपके पास ये जो आइकन शो रहा है, जहाँ पर लिखा होगा नीचे, मेरे पास ये पिक्स का नाम लिखा रहा है 8330 86। तो आपके पास यहाँ लिखा होगा मीडिया नॉट फाउंड, तो आपने इस पर टैप कर लेना है। जैसे टैप करेंगे आपको ये डायरेक्ट आपकी गैलरी में ले जाएगा। वहाँ से जाके आपने क्या करना है कि आपने अपनी कोई सी पिक सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि आप देखते हैं नीचे मैंने पिक सेलेक्ट कर ली है, इस पर जो है वो इफेक्ट ब्लर इफेक्ट लगा हुआ है। जस्ट आपने अपनी पिक्स को ऐड करना है। उसके बाद ये है ऊपर ग्रुप शो रहा है, ग्रुप एंड मास्क 1, आपने इस पर टैप करके एडिट ग्रुप पर टैप करके, और ये सर्कल है और ये नीचे जो है पिक्स है, आपने क्या करना है पिक्स पर टैप करके, यहाँ पर भी वही सेम तरीका है, कलर एंड फिल्म में आके अब यहाँ पे लिखा होगा मीडिया नॉट फाउंड, तो आपने इस जो मीडिया नॉट फाउंड लिखा होगा उस पर टैप कर लेना है, और फ्रेंड ये पिक सेलेक्ट कर लेनी है। पिक्स को सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके, और आपने स्केल में आके अपनी पिक्स को कुछ इस तरह से स्केल में बढ़ा लेना है, और इसको इस तरह से आपने इस जो फ्रेम बना हुआ है आपने इसके अंदर फिट कर लेना है। फ्रेंड उसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो स्केल है ये मुख्तलिफ आईडी वाले अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि ये शेप है और ये नीचे लिखा हुआ एडिट शेप, आपने एडिट शेप पे टैप कर लेना। उसके बाद यहाँ से आप इसको जितना बड़ा छोटा करना चाहते हैं, या आप देख सकते हैं ये आप जितना बड़ा करना चाहते हैं, या आप एक्सेस पे जो है टैप किया, वाई पे टैप कर लेते हैं, और आपका कुछ इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। आपने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना है, जैसा आपको बेस्ट लगे, जितना आप शेप यानी कि ये सर्कल रखना चाहते हैं आपने उस हिसाब से आपने बना लेना है। उसके बाद ये रेडियस है, रेडियस को आप जितना जो है ये सर्कल इसका देना चाहते हैं आपने उस हिसाब से सर्कल दे लेना है। तो मैं इसको जो है वो कुछ इस तरह से, जहाँ पे मेरा ओरिजिनल था वो बिल्कुल परफेक्ट था, कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड उसके बाद आपने इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। तो ये जो मास्क ग्रुप है इस पर भी इफेक्ट लगे हुए तमाम, आपने इसमें चेंजेस अगर आपको पता है करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आपने इनको छेड़ना नहीं है। ये आपके पास इस तरह से होगा। तो ये जो रेशियो मैंने बनाई है 9:60 में, मैंने ये वीडियो यानी कि आपको एक्सएमएल दिया है, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप किसी और रेशियो में वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ये सेटिंग शो हो रही है आपके ऊपर, आपने सेटिंग पे टैप कर लेना, और जहाँ से आपने जो से रेशियो में वीडियो बनानी हुई 1:1 में, 4:5 में, या 9:60 में, जो सा आपको बेस्ट लगे, जो से रेशियो में आप वीडियो बनाना चाहते हैं आपने वो रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड जो बात कर लेते हैं, ये इमोजी है, आपने क्या करना है इमोजी पर टैप कर लेना है, डबल ए पर टैप करके, और यहाँ से आपने कोई सी भी इमोजी जो आपको बेस्ट लगे आपने वो इमोजी लगा के, उसके बाद iOS वाला फॉन्ट दे के आपने ओके कर लेना है। फ्रेंड उसके बाद आपको सॉन्ग रह जाता है, आपने जैसे क्या करना है कि अपनी वीडियो से स्टार्ट कर लेना है। अगर आपके पास आईडी की जरूरत है तो आपने आईडी से लगा लेना है। इसका मैंने एक्सएमएल बनाया ताकि आप दोस्तों के लिए जो है वो परेशानी ना हो, हर बंदे का जो है वो फैक्ट है वो समझ नहीं आते हैं, लेकिन एक्सएमएल की मदद से जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना होता है और आप जल्दी से अपना स्टेटस बना लेते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम वीडियो में एक्सएमएल देता हूँ ताकि आप दोस्तों को मुश्किल दरपेश ना हो। इसके अलावा फ्रेंड कुछ आईडी वाले जो है वो पीछे अपनी पिक्स ब्लर यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि वाइट और ब्लैक जो है वो वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने अपनी पिक्स को सेलेक्ट कर लेना है कलर एंड फिल में आके, और ये आपके पास कलर ऑप्शन शो हो रही है, तो जैसे आप इस पर टैप करेंगे
तो पीछे आप देख सकते हैं हमारा जो कलर है वो वाइट हो चुका है। अगर आप ब्लैक करना चाहते हैं तो आप ब्लैक भी कर सकते हैं, तो अगर आप जो है वो ग्रे करना चाहते हैं या कोई सा भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये इतना हमारे पास शोर है शेडो में आके, और इसका शेडो थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। शेडो इंक्रीज करने के बाद आपके पास जो है वो और खूबसूरत जो है वो नज़र आएगा। तो अगर आप बॉर्डर भी साथ ऐड कर लेते हैं, बॉर्डर भी जो हम ब्लैक कलर का यूज़ कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है वो कुछ इस तरह से और मज़ीद जो है वो खूबसूरत लुक देगा। तो फ्रेंड ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। आप जो है इसका बैकग्राउंड में कलर जो है वो वाइट या ब्लैक देना चाहते हैं, या जो उसका पिक्स ओरिजिनल पिक्स को आप यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है। आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, जैसा आपको बेस्ट लगे आपने वैसा स्टेटस बना लेना है। तो फ्रेंड इस तरह से आपने अपना स्टेटस बना लेना है, और उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने क्या करना है कि इस ग्रुप को टैप कर लेना, उसके बाद बॉर्डर एंड शेडो में आके, और ये शेडो है आप किसी और कलर का शेडो अगर वाइट कलर का देना चाहते हैं वाइट का भी दे सकते हैं, रेड का देना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। वो एडिट वाले ब्लैक यूज़ करें इसलिए मैंने ब्लैक का बनाया है। उसके अलावा आपने बॉर्डर पे टैप कर लेना है, बॉर्डर पे टैप करने के बाद आपने आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट करके, और यहाँ से आपने जितना साइज अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं बॉर्डर नहीं दे रहा, ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। बाकी के जो आपको मैं बता दिए हैं, मेन जो है वो ये है ग्रुप, आपने ग्रुप पे टैप करके और यहाँ से जोन से आपको जो है वो शेप आप रखना चाहते हैं बिलफर्ज, ये हमारी है 320 मैंने रखी थी, तो आप जो है वो ये रखना चाहें ये भी रख सकते हैं, शेप को बड़ा करना चाहें डिफ़ॉल्ट जो शेप होती है वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है वो स्टेटस आपको जैसा बेस्ट लगता है आपने उस हिसाब से बना लेना। बाकी इस पे तमाम इफेक्ट लगे हुए हैं। तो फ्रेंड जस्ट आपने अपनी पिक्स ऐड करनी है और अपना सॉन्ग चेंज करना है, बाकी की सेटिंग तमाम मैंने की हुई हैं, आपने इनको नहीं छेड़ना है। तो इस XML का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने लाइट मोशन में इंपोर्ट करके और इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस बना लेना है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्प हो रही होगी। वीडियो आपके लिए हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कुछ भी अच्छा लगा कुछ भी बुरा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर आगा कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली दफा आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने चैनल वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।